हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल. नॉट ओनली माय, यूर आल्सो चैनल, बिकॉज वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स थ्रू दिस चैनल. What we are learning different part of the grammar. We are learning different poems, different lessons. Okay, so today I am coming in front of you to teach a ninth class lesson, that is the necklace. हमने इस लेसन को शुरुआत की थी. इस लेसन के दो पार्ट है. पहला पार्ट हमारा हो गया है और हम मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट में. ओके, इस सेकंड पार्ट में हमने कंटेंट शुरू किया. देखो, एक स्टोरी है. ये स्टोरी किस तरह से क्लाइमेक्स तरफ जा रहा है और स्टोरी के बाद आपको मॉरल बताना है. सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न थ्रू दिस स्टोरी. बहुत सारे मैथिली का कैरेक्टर देखो, मिस्टर लॉजिल का कैरेक्टर देखो, और उसके जो फ्रेंड है फॉरेस्टर का कैरेक्टर देखो. देखो किसका कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर जो है हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं. अब लेसन शुरू करने से, अगर आपको, आप पहली बार जब देख रहे हो इस वीडियो को, तो मेरे प्रीवियस लेसन जो है वहां से शुरू से देखो, मतलब आपका ये पूरा लेसन जो है वह कवर हो जाएगा. और दूसरी बात, ये मेरा चैनल जो है ये आपको पढ़ाने के लिए है. बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ पे ग्रामर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले. सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि आपको नए नए वीडियो जो भी मैं बनाऊँगा जो आपके लिए यूजफुल है, वो सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं. आपको देखना है पेज नंबर 29. ये नाइन्थ क्लास का लेसन है. लेसन का नाम है द नेकलेस. और ऑलरेडी ये लेसन की शुरुआत हमने कर दी है. ये लास्ट एंडिंग है, लेंडिंग का पार्ट हम देखने जा रहे हैं. और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 29 देखो. और 28 का मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स. ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए पर्पजफुली मैंने ये फ्रेज यहाँ पे लिया है. देखो ये क्या है, अ क्या है, अ आर्टिकल है, बराबर है. किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए हम ये ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं. ये स्ट्रिंग क्या है, देखो सबसे ये मुझे इसमें से क्या बताना है, ये आप पहले समझ लो. स्ट्रिंग क्या है, ये है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन स्ट्रिंग के बाद ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है. और ये डायमंड्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो डायमंड्स है. अब ये डायमंड्स क्या है, ये भी नाउन है. कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है. तो ये फ्रेज क्या बन गया, ये क्या है, हम क्या फोकस कर रहे हैं, हम इस कलेक्टिव नाउन को फोकस कर रहे हैं. अब ये कलेक्टिव नाउन के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब मुझे बताओ वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. बच्चे बोलेंगे देखो डायमंड्स तो प्लूरल है, सर तो यहाँ पे प्लूरल आएगा. तो डायमंड्स की तरफ हमें फोकस नहीं करना है. अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए ग्रामर के, उसमें जाके देखो. वहां पे कलेक्टिव नाउन मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है आपके लिए. तो देखो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन हमें कंसिडर इस कलेक्टिव नाउन को करना है. और कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्शन ऑफ द पीपल होता है, कलेक्शन ऑफ द एनिमल और कलेक्शन ऑफ द थिंग होता है. ये थिंग में आता है, ये कलेक्शन है. तो यहाँ पे जो है हमें क्या लिखना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखना है. ठीक है, यहाँ पे इज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा. यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि हम जो स्ट्रिंग है इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं. फिर क्या हो जाता है इस स्टोरी में, उस ज्वेलरी के पास वहां पे जाते हैं और उनका जो है ना वहां पे बार्गेनिंग वगैरह होता है. तीन मैंने रेट बोला है 40,000. वो ज्वेलरी क्या करता है, पहले 40,000 जो है 40,000 फ्रैंक्स बोलता है. फिर वहां पे क्या करते हैं, वो उसके साथ नेगोशिएट करते हैं. और नेगोशिएट करने के बाद वो फिक्स हो जाता है कितने में देने के लिए, 36,000 फ्रैंक्स को देने के लिए वो रेडी हो जाता है. और उसके बाद में एक कंडीशन, मिस्टर लॉजिल जो है कंडीशन रखते हैं कि उनका सर्चिंग चालू है नेकलेस के लिए. अगर इनकेस फेब्रुवरी तक नेकलेस मिल जाता है तो वो ज्वेलरी को वापस करेंगे. और ज्वेलरी जो है उनको कितना पैसा देगा, 34 जो है 34 फ्रैप जो
34,000 जो फ्रैंक्स है उतना उसको वापस देगा। ये तीन जो डिजिट है याद रखो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर माइंड मेंटली प्रिपेयर रहना है कि उनको कितने फ्रैंक्स में मिला और कितने फ्रैंक्स में वो वापस देने वाले हुए उस नेकलेस को। चलो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लाउजेल हैड 18,000 फ्रैंक्स व्हिच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और उनके पास कितना था, लाउजेल क्लाउजेल के पास 80,000 फ्रैंक्स था। ये 80,000 फ्रैंक्स जो है वो किसने दिए थे, कितने किसने दिए थे, उनके जो फादर है उनके फादर जो है उनके लिए रख के गए थे। जैसा हमारे फादर हमारे लिए प्रॉपर्टी रखते हैं कि नहीं, तो ये इतनी प्रॉपर्टी जो है ये लाउजेल के पिताजी ने उनके लिए रखी थी। बाकी क्या और मैनेज करना था, क्योंकि इतने में आता था क्या वो नेकलेस, नहीं, इसमें और ऐड जो है ना वह 18,000 फ्रैंक्स जो है उन्हें करना पड़ता है। He would borrow the rest. फिर ये जो 80,000 francs है, so he would borrow, इसको उसको borrow जो है करना, borrow करना यानी क्या करना, किसी के पास से उधार लेना। अब कोई किसी के पास से उधार लेना कोई फ्री में देने वाला है क्या, नहीं, उनको कुछ तो भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, कहीं से भी अगर हम पैसा उठाए तो वो इंटरेस्ट से ही लेना पड़ता है, फिर वो इंटरेस्ट से बाहर से जो है ना पैसा उसको उसने borrow किया। As he did borrow, he gave notes made ruinless ruinous agreement. फिर जो भी उसे पैसा देगा, ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट है, 18,000 फ्रैंक्स जो है, आप गूगल महाराज से जाके पूछ सकते हो कि फ्रैंक्स का रेट क्या है, आपको पता चलेगा, जैसा हमारा रुपया का रेट होता है वैसा फ्रैंक्स का रेट है। ये दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, आपको ऐसा लग रहा होगा सर 18,000 ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन 18,000 जो है वो हमारा रुपया है, लेकिन फ्रैंक्स का रेट है नियरली 80-90 रुपीज, ऐसा कुछ तो रेट चालू है, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो है मुझे ये बताना है, ये ह्यूज अमाउंट है, ये लैक्स में जाते हैं अमाउंट। अब कोई इंसान अगर आपको लैक्स दे रहा है तो वो तो एग्रीमेंट लेगा आपके पास से, फिर एग्रीमेंट करके वो एग्रीमेंट इतना स्ट्रिक्ट होता है कि परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है 5% हो या 10%, जो भी परसेंटेज है वो परसेंट मंथ के स्टार्टिंग में देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो उसका डबल इंटरेस्ट लगेगा वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे जो है इतने हार्ड वहाँ पे एग्रीमेंट में कंडीशन जाते हैं। ही गेव नोट्स, नोट्स यानी क्या, पूरा वहाँ पे एग्रीमेंट कर लेता है। डेल्ट विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, डेल्ट यानी वो डील करता है, अब मैंने मनी लेंडर जो पैसे दे रहा है, मनी लेंडर यानी कौन, जो पैसे उधार देता है उसको मनी लेंडर बोलते हैं, और जो मनी लेंडर पैसा देता है तो वो ऐसा ही नहीं देता, वो एग्रीमेंट करके देता है, और उनका एग्रीमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्टिक भूखे रहो लेकिन उनके पैसे भरना पड़ता है, ये एग्रीमेंट में होता है, कुछ भी करके उनका पैसा भरना होता है। देखो मनी लेंडर, यहाँ पे अंडरलाइन करो, आपको टेक्स्टबुक है, टेक्स्टबुक ओपन करना है और उसको पेंसिल लेना है, जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो वर्ड कर लेना है और उसका मीनिंग भी आपको लिखना है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेड डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स एंड देन ही वेंट देयर, किधर गया, ज्वेलरी के पास, एंड ही गेव हिम 36 pounds, लेड डाउन यानी उसको दे देना, गिव अप, उसको दे देना, गिव अप का मीनिंग अलग होता है, गिव अप यानी छोड़ देना, लेकिन गिव यहां पे लेड यानी क्या होता है कि उसको देना, लेड डाउन कर देना, और वह नेकलेस ले लेता है। When Madam Lozell took the necklace back, Madam Forrester said, अभी वो जाती है, कौन, हमारे मैथिली ले जाती है, नेकलेस उसे वापस कर देती है, और मैडम फॉरेस्टर जो बोलते हैं कोल्डली, ये कोल्डली जो वर्ड है, कोल्डली, ओके, अब मुझे बताओ ये कोल्ड जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड एडजेक्टिव होता है, बहुत होशियार हो आप, एडजेक्टिव होता है, फिर ये कोल्डली क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ओके, कोल्डली एडवर्ब है। और मैंने पढ़ा है आपको, अगर कोई एडजेक्टिव है उसको अगर एलवाई लगा देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो कौन कोल्डली बोलता है, मैडम फॉरेस्टर कोल्डली बोलती है, क्या बोलती है, यू शुड हैव रिटन इट सूनर,
बोलती है यू शुड हैव रिटन इट सूनर, सूनर यानी जल्दी देना। आप अगर इसको जल्दी देते थे तो क्या होता था, आई माइट हैव नीडेड इट। आई माइट, देखो यहां पे दो वर्ड है, एक शुड है और दूसरा माइट है। अब मुझे बताओ ये शुड और माइट क्या है, शुड भी मॉडल है और माइट भी मॉडल है। अब देखो शुड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग और माइट किसके लिए यूज करते हैं बताओ, शुड जो है यह ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं ओके, और माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटीज पास्ट में जो बताते हैं, मैं माइट इसीलिए यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर इस नेकलेस को बिफोर देते तो मैं कहीं तो भी डाल के कोई तो प्रोग्राम में जाती थी, इट नीडेड इट, ये मुझे मुझ कुछ काम आता था उसका। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉसेल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पॉवर्टी। लेकिन फॉर अ वहां से उनकी सही लाइफ जो है ना, पावर्टी की लाइफ वहां से शुरू हो जाती। देखो उनका ड्रीम क्या था, मैथिल्डे का ड्रीम क्या था, और उसकी एक गलती की वजह से आज उसके ऊपर कंप्लीट हॉरिबल लाइफ उसको जीने की, हॉरिबल लाइफ ऑफ व्हाट, हॉरिबल लाइफ ऑफ पॉवर्टी उसे किसकी वजह से, खुद के वजह से जीना पड़ रहा है। क्यों जीना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी पैसा आता था, जो भी पैसा उनके घर में आता था, इसको इंटरेस्ट में जाता था, इसका ये जो बारो है ये पेड करने में जाता था, बहुत ही कम पैसा उसने बचता था घर चलाने के लिए, बहुत ही कम। अभी देखो कितना मुश्किल हो जाता है कि घर चलाने के लिए अगर हमें पैसा ना मिले, कितनी पावर्टी में कितना कॉम्प्रोमाइज करके कितना एडजस्टमेंट करके हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिन निकालना पड़ता है। वो दिन कौन निकाल रहा है अभी, हमारे मैडम, जो मैडम नाम बताओ, यस मैथिल्डे, उसे यह दिन निकालना पड़ रहा है। बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन वो उसका प्ले, देखो कितना हम कैसा जी रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पावर्टी होने दो या फिर रिचनेस आने दो, हमारा लाइफ कैसा चल रहा है वी हैव टू डिसाइड। और इतने बैड कंडीशन में, इतने पावर्टी में भी वह उसका रोल कैसा था, हीरोइकली रोल था। अब हीरो तो हम हीरो को बोलते हैं, लेकिन ये तो लेडी है, लेकिन हीरोइकली जो है शोइंग ग्रेट करेज, इसको बोलते हैं हीरोइकली। हीरोइकली मैंने जो पावर्टी में भी उसने खुद को, मतलब खुद का करेज डट के कर दी, पति के कंधे से कंधा मिला के वो खड़ी रहेगी इस पावर्टी में। द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, द ड्रेडफुल डेप्ट, ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड। अभी देखो ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो, सबसे पहले तो ये सेंटेंस क्या है, द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड। अब ये सेंटेंस को थोड़ा हम एनालाइज करेंगे, कैसा एनालाइज करेंगे, जो सेंटेंस के मैंने एलिमेंट्स बोले हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब एनालाइज करने के बाद आपको क्या समझ में आता है ये मुझे बोलो, उसके बाद में मैं आपको आंसर दूंगा। अभी देखो द क्या है, द आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। यहां पे डिटरमाइनर बोल करके काम किया है, मैं एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव के वीडियो में देखो आपको समझ में आएगा कि द ड्रेडफुल डेप्ट, डेप्ट क्या है, यह नाउन है, नाउन के साथ जो है ना द आता है, बराबर है, डेप्ट के साथ यह द आ गया। अब ये दोनों के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बराबर है, फिर ये एक फ्रेज हो गया ओके। फिर अभी देखो मस्ट बी पेड, अब मस्ट जो है मॉडल है, अब यहां पे पेड मॉडल के बाद मैंने क्या रूल्स बताया, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बराबर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मॉडल के साथ नहीं आया तो ये बी के साथ आ गया। अभी देखो मस्ट के साथ बी के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उस कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और पैसिव कंस्ट्रक्शन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सब जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो बताना जरूरी नहीं होता है, बराबर है, सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है। द ड्रेडफुल डेप्ट, डेप्ट किस पे आ गया, वो दोनों पे आ गया, पति पत्नी पे आ गया, मतलब पति पत्नी क्या हो गया हमारे लिए, देह हो गए, बराबर है। द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, किसे पेड करना है, उन दोनों को पेड करना है। किन दोनों की बात कर रहे हैं हम, मैडम लॉसेल की और मिस्टर लॉसेल की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए वो कौन है, दे हो गए। फिर सेंटेंस क्या बनेगा, दे मस्ट, पेड का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, पे,
दे मस्ट पे द ड्रेडफुल डेट, ड्रेडफुल डेट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ओके, अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज द वॉइस जो मेरा वीडियो बनने जा रहा है उसमें देखो कि ये कंस्ट्रक्शन, इसको देखो, इसको हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोला है। फिर इसको देखो, जब हम सेंटेंस बिल्ड करते बोलते हैं कि सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से होती है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों है सेंटेंस की बिगिनिंग, ये मैंने बहुत बेहतर ढंग से डिटेल में आपको बताया है। चेंज द वॉइस का जो वीडियो होने जा रहा है उसको आप देखो तो ये सभी कंसेप्ट जो है ना, बारीक बारीक छोटे छोटे कंसेप्ट में आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं हर ग्रामर के पार्ट में। तो ये जो है इस तरह से इसका पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस, वाइस वर्सा हमें बनाना है। ये अंडरलाइन कर लो, द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, शी वुड पे इट, शी वुड पे इट। अभी देखो ये एक सेंटेंस है, मैं आपको लिख यहां पे लिख के देता हूं। सेंटेंस क्या है, शी वुड पे इट। अभी ये एक्टिव है या पैसिव है, चलो देखते हैं। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वुड क्या हो गया, मॉडल हो गया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इट क्या है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर अभी ये जो वॉइस है कौन से वॉइस में है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, मैंने वीडियो में देखा है वो देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को हम ए भी लिखते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसा बनाते हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट लेना है, इट लेने के बाद वुड लो। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या आ जाएगा, मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है पैसिव वॉइस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बी लेना पड़ेगा और पे का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा पेड, इट वुड बी पेड बाय हर। तो ये हो गया हमारा पैसिव का कंस्ट्रक्शन। ये मेथड जो है मॉडल्स के लिए आपको यूज करना है। सो द ड्रेडफुल शी वुड पे इट, मतलब शी वुड पे इट बोले तो अभी उसको पे करना ही है, ये जो पैसा है वो ईमानदार, दोनों भी ईमानदार है और ईमानदारी से वह दोनों पैसा पेड करना चाहते हैं। दे डिसमिस देयर मेड, अभी देखो पैसा पेड करना है, अर्निंग तो बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम हमारे खर्चों को एकदम कंट्रोल में लाते हैं, एकदम कंट्रोल में। उनके पास काम करने के लिए नौकर था, नौकर थी, नौकरानी थी, मेड थी, उस मेड को उन्होंने कैंसिल किया। सेकंडली देखो कॉम्प्रोमाइज कैसा कर रहे हो लाइफ को, लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट कैसा कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको क्या, उनका बजट जो है एकदम कम था, अकॉर्डिंग टू बजट दे हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, लिविंग, आप हमारे लिविंग जो है उन्हें चेंज करना पड़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने मेड को बंद कर दिया, डिसमिस करना। अब डिसमिस करना का अपोजिट वर्ड क्या आता है बताओ, डिसमिस करने का, डिसमिस का अपोजिट डिसमिस्ड, डिसमिस्ड। इसका अपोजिट क्या होता है डिसमिस्ड का, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। देखो बारीक बारीक चीज जो है, बारीक बारीक चीज हमें यहां पे लिख लेना, अंडरलाइन करो उसका अपोजिट लिखो। दे चेंज देयर लॉजिंग, दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। फिर वो जो है हमारा जो लॉजिंग रहने का भी, पहले अच्छे घर में रहते थे, अभी वो गैरेज में, गैरेट में रहने लगे। ओके, अभी She came to know the drudgery of housework. Came to know यानी came to know यानी क्या होता है बताओ? Yes, came to know. मुझे मालूम हो गया, मुझे पता चल गया, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे अलग बन रहा है। She came to know the drudgery of housework. Drudgery यानी she failed that. Housework is very unpleasant thing. उसे ऐसा लगता था कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था हाउस वर्क करने, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि हाउस जो है, घर का काम कितना हार्ड होता है। जो काम उसे पसंद नहीं वो काम वह करने लगी। फिर क्या क्या काम, द ऑडियस लेबर्स, मतलब जो ऑडियस यानी जो स्ट्रांग, मतलब जिसको बिल्कुल हेट, जो वर्क से उसे हेट होता था, वो वर्क करने लगी किचन में।
उसे किचन में जाना पसंद नहीं था. शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोने लगी. शी डर्टी लेनिन, लेनिन यानी क्या होता है, क्लॉथ, कपड़े भी धोने लगी, खाना बनाने लगी, बर्तन धोने लगी, कपड़े भी धोने लगी. एंड शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और गार्बेज भी नीचे, इससे पहले वो कभी जो काम पहले नहीं करती थी अभी वो भी काम करना पड़ रहा है. जो हमारे घर में गार्बेज जमा होता है वो गार्बेज रस्ते में बाहर कभी नहीं निकलती थी, तो उसे गार्बेज भी ले जाना वहाँ पे पड़ रहा है. एंड she carried up the water, stopping at each landing to each her, breathe and dressed like the commoner. और उसका रहन सहन जो है ना, उसका स्टाइल ही बदल गया. कपड़े भी बहुत सिंपल पहनने लगी, कॉमनर जैसा वो रहने लगी. जो कॉमन व्यक्ति हम तुम जैसा काम करते हैं ना, पानी ऊपर लेके जाना बकेट से, वो पानी ऊपर ले जाने लगी. मतलब कैसे, देखो कॉम्प्रोमाइज लाइफ के साथ कैसे कर रही है. उसे समझ में आ गया है कि अभी मैं लग्जरी के सपने, अगर लग्जरियस लाइफ के सपने देखूंगी तो ये गलत होगा, क्योंकि जो आज संकट आया है उस संकट को हमें क्या करना है, पार करना है. और इस संकट से लड़ने के लिए मुझे मेरे पति का साथ देना पड़ेगा. और साथ देने के लिए ही वो सभी जो है ना घर के काम करने लगी. शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट. अभी मार्केट जाने के बाद, मार्केट तो कभी जाती नहीं थी, अभी जाने के बाद फिर वहाँ पे बार्गेन हम करते हैं रेट के लिए. कोई बोलता है कि 10 किलो पाव, 15 किलो पाव या 20 किलो पाव है, तो हम बार्गेन करते हैं वहाँ पे. बाबा भाई 20 रुपए किलो है ना, नहीं 15 रुपए, 20 रुपए पाव है तो मुझे 15 रुपए पाव सब्जी दो. ये बार्गेनिंग होती है. फिर वो बोलता है नहीं नहीं 18 को ले लो, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं 16 को दो. ये बार्गेनिंग. फिर वहाँ पे एक एक रुपए के लिए, एक एक 100 के लिए, 100 क्या है, यस ओ यू 100, जैसा फ्रैंक्स है ना, ये 100 यानी रुपया, छोटे छोटे जो रुपया होते हैं ना, वो रुपयों के लिए, पैसों के लिए भी वह बार्गेनिंग. 100 यानी पैसा होता है, ये पैसों के लिए भी वो बार्गेनिंग करने लगी. भाई से बचाने के लिए वह कोशिश करने लगी. ओके और ये बचाने के लिए वो झगड़े भी करने लगे किसी किसी के साथ, अगर ना नहीं देते हैं तो. इच मंथ दे हैव टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर, गेट मोर टाइम. सो उसे क्या करता था, इच मंथ उसे कुछ पे करना पड़ता था रिन्यू करने के लिए. हर महीने में जो एक अमाउंट दिया गया है, जिसे हम बोलेंगे हफ्ता बोलेंगे, वो हफ्ता उन्हें पेड करना पड़ता था. वो हफ्ता पेड करने के बाद उसका हफ्ता जो है ना अगला हफ्ता वहां पे बढ़ के मिलता था. ओके सो एंड often her husband works extra evening, every evening doing accounts for trade. उसका husband भी extra काम करने लगा, overtime करने लगा. एक trade बने यानी व्यापारी. उस व्यापारी के वहाँ पे वह manuscript लिखने जाता था, 501 पेज के वह लिखना, मतलब extra part time वो job करने लगा. And this life lasted 10 years. अभी ये जो जिंदगी है, ये जो life है, एक साल नहीं, दो साल नहीं, बल्कि 10 साल. 10 साल मतलब ये कितना बड़ा जो है पेड़ है, आप सोच सकते हो. और ये लाइफ जो है उन्हें 10 साल तक झेलना पड़ा. At the end of 10 years, they have paid off everything. और 10 साल बाद पूरा पैसा उनका पेड हो गया. Even the interest के साथ 10 साल लगा पेड करने के लिए. मैडम लोजे लुक्ड ओल्ड नाउ. अभी 10 साल ऐसा जिंदगी जीने के बाद कोई ब्यूटीफुल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. तो मैडम लोजेल कैसे दिखे? वो अभी ओल्ड दिखने लगी. टेंशन के वजह से पूरा चेहरा उसका उतर गया था और वो बूढ़ी सी दिखने लगी. देखो often she brooded over the past, what would have happened if she had not lost that necklace. अब सोचो क्या होता अगर वो नेकलेस लॉस्ट नहीं होता था. दोस्तों मुझे बोलना है एक लाइन आप अंडरलाइन कर लो और जिंदगी भर इस लाइन को नहीं भूलना है. और वो लाइन क्या है कि हाउ स्ट्रेंज लाइफ क्या है, देखो कितना अजीब है लाइफ. हाउ फीकल मीन्स हाउ ऑफन इट इज चेंजिंग. आज का जो सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगा. आज अगर मैं दुख में हूं तो दुख जो है यह हमारा गेस्ट के जैसे होते हैं. देखो दोस्तों मैं बोल रहा था कि लाइफ आबाद होने के लिए समय नहीं लगता, लाइफ बर्बाद होने के लिए समय नहीं लगता. अंडरलाइन कर लो इस सेंटेंस को. हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, लाइफ कितना स्ट्रेंज है.
हाउ फीकल, कितने चेंजेस उसमें होते हैं, हाउ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी रियूंड एंड सियोर, कितना छोटा रीजन लगता है आबाद होने के लिए, बर्बाद होने के लिए. देखो, देन वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द चार्म्स एलिसी सडनली शी सॉ मैथिल्डे मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटिफुल, स्टिल चार्म. और जब ही एक दिन संडे के दिन वो जब चार्म्स आइसलेट्स जा रही थी, तभी उसके नज़र में वो मैडम फॉरेस्टर जो इसकी दोस्त थी वो दिखी. वो कैसी दिख रही थी? यंग दिख रही थी अभी भी, स्टिल ब्यूटिफुल, स्टिल चार्मिंग. अभी देखो वक्त, वक्त अब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, फॉरेस्टर को और मैडम मैथिल्डे को, दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ब्यूटीफुल कौन थी? मैथिल्डे थी. आज जो है, आज ब्यूटीफुल कौन है? फॉरेस्टर है. क्योंकि परिस्थिति जो है उसको अगली बनाई थी. किसकी? किसको? हमारे मैथिल्डे को. मैडम लोसेल फेल्ट इमोशनल, शुड दे स्पीक टू हर? यस ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. व्हाई ना? फिर वो सोचने लगी कि मैं उसे बात करूं क्या. फिर वो फिर से सोचने लगी क्यों ना बात करूं, हम तो पूरा भी उसको नेकलेस भी दे दिया और जो भी डेप्ट हमारे ऊपर था वो डेप्ट पेड भी हो गया, तो क्यों ना हम उससे बात करें. शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी. फिर उसके पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी. द अदर एस्टोनिस्ट टू द अदर, द अदर कौन है यहाँ पे? द अदर किसके लिए यूज किया गया है? द अदर जो है हमारे मैडम फॉरेस्टर है. शी वॉज वेरी एस्टोनिस्ट. शी, हाँ, क्यों? क्योंकि उसे वह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. उसका अपीयरेंस कैसा था? एकदम पुअर लेडी के जैसा था. उसके अपीयरेंस की वजह से, उसके लुक की वजह से, जो फर्स्टली उन्होंने इसको जो है फॉरेस्टर ने मैथिल्डे को रिकॉग्नाइज नहीं किया था. ओके, द एस्टोनिस्ट टू बी एड्रेस्ड अनफैमिलियर फैमिलियर बाय दिस कॉमन वुमन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर सिस्टम. और उसे लगा कि ये बाय मिस्टेकनली यह कोई भी अलग सा समझ के, अलग इंसान समझ के मुझे गुड मॉर्निंग बोल रही है. वो बोलती है बट मैडम आई डोंट नो हु, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. बोलती है मैडम आपको मैं जानती नहीं हूँ, शायद आपसे कुछ गलती हो गई है, गलती से आपने मुझे पुकारा है. नो आई एम मैथिल्डे लोसेल. फिर वो खुद की पहचान देती है कि मैं कौन हूँ, मैथिल्डे लोसेल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राय. अब दोनों अच्छे दोस्त हैं. अगर बहुत 10 साल बाद, 11 साल बाद कोई दोस्त आपको मिलता है तो कितना सरप्राइज हम होते हैं, कितना एस्टोनिस्ट हम होते हैं. उसे देख के उसके मुंह से एक एक्सप्रेशन निकला, दैट एक्सप्रेशन कॉल्ड ओ. वो बोलती है माय पुअर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज. फिर वो बोलते हैं कि मेरी पुअर मैथिल्डे आप में कितना चेंजेस, आप कितने ब्यूटीफुल थे और आज कैसे हो गए. वह उसे बोलती है यस आई हैव हैड सम हैड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. वो बोलने लगी हाँ बहुत सारे चेंजेस मेरे में आ गए जब से लास्ट टाइम मैं मिली थी, क्योंकि बहुत सारे माइजरीज को मैं फेस करती हुई आई हूँ और ये माइजरीज किसके वजह से है? आपके वजह से हो गया है. फिर वो परेशान हो जाते मी, मेरी वजह से? हाउ कैन दैट बी, यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंड टू मी, lend me to wear to the ministry party. फिर वो सरप्राइज हो जाती है मेरे वजह से इतना miseries कैसे हुआ. फिर वो बोलती है आपको याद है आपने मुझे नेकलेस दिया था मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर के जो मैरिज पार्टी थी उस मिनिस्ट्री की पार्टी में जाने के लिए. फिर बोलती है यस वेल आई लॉस्ट इट. फिर बोलती है बराबर है, तो ये बोलती है कि मैं उसे गुमा दई हूँ. वट डू यू मीन यू ब्राउट इट बैक. लेकिन वो बोलती है क्या बोल रहे हो, आपने तो मुझे वापस किया. ब्राउट इट बैक, आई ब्राउट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक दैट एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. मैंने जो वापस किया वो नहीं था, लेकिन उसके वजह से, उसके बदले हमने आपको दूसरा दिया, वो दूसरा था और उसके वजह से हमारे जिंदगी के 10 साल जो है, 10 साल उसका पनिशमेंट हमें भुगतना पड़ा. इट वॉजंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटल. हम बहुत छोटे में जिंदगी जी चुके हैं अब तक 10 साल तक, और ये छोटी बात हमारे लिए नहीं थी. बट एट लास्ट इट इज ओवर एंड आई एम वेरी क्लियर. और सभी अभी खत्म हो गया है, सब डेप्ट खत्म हो गया है और हम अभी बहुत खुश हैं. मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड.
मैडम फॉरेस्टर एकदम स्टंड रह गई, स्टंड यानी शॉक रह गई वो, और यू मे दैट यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस रिप्लेस माय, फिर वो बोलने लगी आप बोल रहे हो क्या कि आपने मुझे वो डायमंड नेकलेस रिप्लेस किया, मतलब उसके जगह पे दूसरा डायमंड नेकलेस मुझे ला के दिया। वो बोलते हैं यस यू डिडंट नोटिस देन दे वेर वेरी सिमिलर, आपको पता नहीं चला ना, हाँ दोनों भी, कौन बोल रही है, मैथिल्डे बोल रही है, दोनों भी सेम थे इसलिए आपको समझ में नहीं आया। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, हु स्माइल्ड हु स्माइल्ड, हमारी जो फॉरेस्टर है शी स्माइल्ड वेरी इनोसेंटली, उसके चेहरे पे जो था एक स्माइल था, और ओके सो शी से यस यू डिडंट नोटिस दैट दे वर वेरी सिमिलर एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, उसे बहुत प्राउड फील होगा अपने दोस्त के बारे में। देखो अगर उसके जगह पर सीधा बोल देती घूम गया मैं वापस नहीं कर सकती तो ये क्या करने वाले थे फॉरेस्टर, कुछ भी नहीं, लेकिन ऑनेस्टली ऑनेस्टली वो जो नेकलेस है उसे वह वापस कर दी थी। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टुक बोथ हर आर्म, और उसके एकदम क्लोज में जाते हैं और अपने जो आर्म्स है दोनों आर्म्स फ्रेंडली उसके गले में वह डालती है, उसको हक करती है। ओ माय पुअर मैथिल्डे माइन वाज एन इमिटेशन, और बोलती है मैथिल्डे माय डियर मेरा जो था वो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था, वो डुप्लीकेट जो था उसका रेट जो था ओनली 500 फ्रैंक्स था, वो जो डुप्लीकेट जा वो 500 ओनली फ्रैंक्स था, और आपने मुझे इतना महंगा डायमंड का नेकलेस ओरिजिनल नेकलेस मुझे वापस किया, इस बात का उसे बहुत एक बात एक तरफ तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि खुशी किस बात की, उसकी ऑनेस्टी की बात, उसे बहुत खुशी होती है ऑनेस्टी के लिए, उसके इनोसेंसी के लिए उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन वह प्राउड फील होकर उसे बोलती है कि मेरा खाली डुप्लीकेट था और आपने हमें पैसा दिया है ओरिजिनल नेकलेस दिया है। ठीक है तो हमारा लेसन खत्म हो गया। अभी जो आप वर्कशॉप शुरू करोगे लिखना केयरफुली, वर्कशॉप शुरू करना है खुद के दिल से लिखना है और गाइड का यूज़ नहीं करना है, और कोई डिफ़िकल्टी अगर मुझे आपको पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप आपके लिए रेडी है और एक कमेंट बॉक्स भी रेडी है, आप उसमें पूछ सकते हैं और पूरे वर्कशॉप में कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन देखो मैं वर्कशॉप बना सकता हूँ आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गाइड के जैसा काम करेगी, वो चीटिंग हो जाएगा, इसीलिए अगर आपको लेसन समझ में आ गया तो ईजिली यू कैन सॉल्व योर वर्कशॉप। ओके आप लेके तो बैठो ऑटोमेटिकली सभी आ जाएगा। अभी इस लेसन का मॉरल क्या है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको मॉरल सेंड करना है, आपको लिख के भेजना है कि इस लेसन में से हमें क्या सीखने को मिला। और उसके बाद में और मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग पार्ट ऑफ ग्रामर है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और ये ग्रामर में ये सोच के बना रहा हूँ कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इसका हेल्प होना चाहिए, और जो 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं उनको भी इसका हेल्प होना चाहिए, वो जो है वो कंसिडर करके मैं एक अच्छे लैंग्वेज में ईजी लैंग्वेज में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वीडियो देखो एंजॉय करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, और लाइक भी करना है और कमेंट भी देना है। थैंक यू वेरी मच।